छठ पूजा एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह सूर्य देव को समर्पित चार दिनों तक चलने वाला त्योहार है और इसे बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार का एक मुख्य आकर्षण विस्तृत सड़क सजावट है जो इन राज्यों के कई कस्बों और शहरों की सड़कों को सुशोभित करती है। बिहार के रोहतास जिले का एक शहर डेहरी ऑन सोन अपनी भव्य और जटिल छठ पूजा सड़क सजावट के लिए प्रसिद्ध है। इस ब्लॉग में हम छठ पूजा के दौरान डेहरी ऑन सोन की खूबसूरत और अनोखी सड़क सजावट पर करीब से नजर डालेंगे। डेहरी ऑन सोन शहर छठ पूजा के दौरान हर सड़क और कोने पर जीवंत रंगों, रोशनी और सजावट से जीवंत हो उठता है। इस भव्य त्योहार की तैयारी कई सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों और सड़कों की सफाई करते हैं, अपनी दीवारों को रंगते हैं और अपने घरों को रंगीन पेंटिंग और रोशनी से सजाते हैं। लेकिन डेहरी ऑन सोन में छठ पूजा की सबसे खास विशेषताओं में से एक विस्तृत सड़क सजावट है जो हर साल हजारों आगंतुकों को आकर्षित करती है। गंगा घाट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क जहां छठ पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं को बांस की छड़ियों से बने सुंदर मेहराबों से सजाया गया है और रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया गया है। ये मेहराबे सिर्फ एक दृश्य ही नहीं है बल्कि त्योहार के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सूर्य देव के स्वागत के प्रतीक के रूप में भी काम करती है। मेहराब आमतौर पर जटिल पैटर्न और आकृतियों के साथ डिजाइन किए जाते हैं जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं जैसे पक्षियों, जानवरों, पेड़ों और फूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेहराबों के अलावा सड़क का पूरा हिस्सा विभिन्न पूजा सामग्री, पारंपरिक मिठाइयां और स्नैक्स बेचने वाले स्टालों से अटा पड़ा है। स्टालों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से भी सजाया गया है जो शहर के उत्सवी माहौल को और भी बेहतर बना रहा है। सड़क के किनारे की दुकानों और घरों को भी रंगोलियों, रंगीन पाउडर से बनी पारंपरिक पेंटिंग और दियों, मिट्टी के छोटे दियों से खूबसूरती से सजाया गया है। डेहरी ऑन सोन में छठ पूजा सड़क सजावट का सबसे आकर्षक पहलू गाय के गोबर से बनी छठी मैया या सूर्य देवी की मूर्तियों का उपयोग है। इन मूर्तियों को शुभ माना जाता है और माना जाता है कि ये सौभाग्य और समृद्धि लाती है। मूर्तियों को रंग बिरंगे रंगों और फूलों से बारीकी से सजाया गया है जिससे वे देखने लायक बनती है। यह शहर सर्वश्रेष्ठ छठी मैया की मूर्ति के लिए एक प्रतियोगिता भी आयोजित करता है और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। डेहरी ऑन सोन में छठ पूजा सड़क सजावट का एक और मुख्य आकर्षण पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग है। यह शहर कई वर्षों से पर्यावरण अनुकूल समारोहों को बढ़ावा दे रहा है और इसे उनकी सड़कों की सजावट में भी देखा जा सकता है। प्लास्टिक या गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करने के बजाय बांस की छड़े, फूल, पत्तियां और गाय के गोबर जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके सजावट की जाती है। इससे न केवल सजावट की सुंदरता बढ़ती है बल्कि त्योहारों को मनाने के स्थायी तरीके को भी बढ़ावा मिलता है। जैसे जैसे छठ पूजा का दिन नजदीक आता है, डेहरी ऑन सोन शहर में आसपास के गांवों और कस्बों से सड़क की सजावट की भव्यता देखने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। मुख्य घाट जहां छठ पूजा की रस्में होती है उसे भी रोशनी और फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है। हजारों श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देने और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए यहां इकट्ठा होते हैं। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिनों तक चलने वाला यह त्योहार समाप्त हो जाता है। पूरा शहर दियों और मोमबत्तियों से जगमगा रहा है जिससे एक मनमोहक माहौल बन रहा है। छठ पूजा सड़क की सजावट शहर की उत्सव की भावना के साथ इसे देखने वाले हर किसी के लिए इसे वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। सड़क की सजावट के अलावा डेहरी ऑन सोन छठ पूजा के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है।
ये कार्यक्रम शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं और उत्सव के माहौल को बढ़ाते हैं। इस समय के दौरान शहर में विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजन भी पेश किए जाते हैं, जिससे यह खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वर्ग बन जाता है। अंत में देहरी ऑन सोन में छठ पूजा सड़क की सजावट भारत की जीवन संस्कृति और परंपराओं का एक प्रमाण है। यह शहर प्राचीन रीति रिवाजों और आधुनिक तकनीकों को खूबसूरती से जोड़ता है, ताकि एक दृश्य असाधारण बनाया जा सके जिसे छोड़ा नहीं जा सके। इसलिए यदि आपको कभी देहरी ऑन सोन में इस भव्य उत्सव को देखने का मौका मिले, तो लुभावनी सड़क सजावट को देखने से न चूके, जो इस शहर को वास्तव में अद्वितीय बनाती है।